हैलो एवरी वन दिस इजा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा एवरेज जैसा कि आपको दिख रहा दिख रहा होगा कि हम आज एवरेज पढ़ने वाले हैं वन शॉट में इसको खत्म करेंगे बहुत ही इजी चैप्टर है ठीक है इजी चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है तो इसको हम वन शॉर्ट में खत्म करेंगे इससे जो क्वेश्चन है वो ज्यादा वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं इससे लगभग सिमिलर एक ही टाइप के क्वेश्चन दिख, देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में ठीक है एक बार जो नए बच्चे उनको मैं बता हूँ बेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अचीवर्स बैच की क्लासेस चल रही है ये बैच उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास फिफ्थ में है और आगे क्लास में जाने वाले हैं अगर आप नॉर्मली क्लास और के स्टूडेंट है तो भी ये बैच बैच आपके लिए आप इस को देख सकते हैं क्योंकि टॉपिक वही है जो आपके सिलेबस का पार्ट है ठीक है उसके अलावा जो बच्चे नवोदय एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सैनिक स्कूल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एन टी एस सी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वाला जो बैच है ये उन सबके लिए फाउंडेशन बैच है फाउंडेशन का काम करेगा बेस आप लोगों का मजबूत करेगा फाउंडेशन बैच है ये और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रहा है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको YouTube पे मिल जाएगा आपको नवोदयम क्लासेस जो चैनल है हमारा उस पर जाना है और उस चैनल में प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक करेंगे तो आपको अचीवर्स अचीवर्स बैच बैच के के नाम नाम प्ले, नाम से नाम से से इसका प्लेलिस्ट मिल मिल जाएगा जाएगा किस जिसमें डिटेल्ड मैंने आपको हर एक वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में विध प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं ठीक है और जितने भी मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं ठीक है वो पूरे रिसर्च करके तब बनाए हुए रहते हैं ठीक है तो डिटेल्ड मैंने सारे टॉपिक्स को लेने की कोशिश की है समझा

तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एवरेज की डेफिनेशन दे रखी है क्या दे रखी है पढ़िए एवरेज की डेफिनेशन आपको दे रखी है एवरेज इज अ वे टू फाइंड अ मिडिल और टिपिकल वैल्यू फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ नंबर्स अगर आपको बहुत सारे नंबर दे दिए उस बहुत सारे नंबर्स में से एवरेज का मतलब क्या हुआ कि एक मिडिल वैल्यू मुझे फाइंड करनी है एक ऐसी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है जो सबके नियर

बेस्ट है कि हम से समझे तो सीधा हम एग्जाम्पल पे चढ़ते देखिए आपके लिए है जो मैं छोड़ दूंगी, में आप करेंगे होमवर्क है आपका और अभी कुछ क्वेश्चन है जो मैं करा दी हूँ ट्वेंटी क्वेश्चन है लगभग तो मैं टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन के बीच में करा दूंगी बाकी फाइव टू सेवन क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़ दूंगी जो ताकि आप ही प्रैक्टिस करें इसलिए मैंने ट्वेंटी क्वेश्चन का सेट बनाया देखिए

सम ऑफ ऑल नंबर जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका समॉन क्या था टोटल क्वान्टिटी या टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने नंबर है वो यहां लिखना है ठीक है तो समर्स करेंगे तो सारे नंबर्स को हमें क्या करना बेटा सारे नंबर को एड कर लेना तो ऐड कर लीजिए एट प्लस नाइन प्लस टेन प्लस एट प्लस सेवन ये सारे नंबर्स को ऐड कर लिया नीचे टोटल क्वांटिटी टोटल पांच बच्चों के बारे में बात हो रही थी ना यही टोटल क्वांटिटी है पांच जितने बच्चों के बारे में बात हो रही है नीचे आ जाएगा फाइव आ जाएगा चलो सबको ऐड करो एट और नाइन हो जाएगा 17, 17 और कितना ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन और फिफ्टीन कितना हो ट्वेंटी सेवन और फिफ्टीन हो, हो गया थर्टी सेवन एंड फोर्टी टू फोर्टी टू डिड बाय फाइव इसको आप डिवाइड कर सकते हैं क्या कर तो सकते हैं डेसिमल में आंसर आएगा ठीक है तो आप डिवाइड कर लीजिए देखिए कितना आ जाएगा फाइव एट जा फोर्टी आ गया आपके पास बचा टू आप लगा लेंगे डेसिमल, तो ये क्या कितना हो जाएगा डेसिमल लगाते ही ट्वेंटी हो जाएगा देखो फोर्टी टू में अगर आप डिवाइड करेंगे बेटा से मैं करके बता देती बच गया टू डेसिमल लगाया जीरो आ गया फाइव फोर जा ट एवरेज कितना आ गया बेटा एवरेज आ गया एट पॉइंट फोर ठीक है इतना ईजी था बहुत ईजी था ना एवरेज निकालना कितना ज्यादा इजी था देखो ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं चलो अब फटाफट से करेंगे अब फार्मर है फोर देयर मिल्क प्रोडक्शन इन लीटर्स पर डे इज इतना व्हाट इज द एवरेज मिल्क अब एवरेज मिल्क प्रोडक्शन पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है एवरेज मिल्क प्रोडक्शन ठीक है तो आप क्या करेंगे सम करेंगे सबका अपॉन टोटल लिखेंगे नीचे यही पता है आपको यही वैल्यू है सीधी। मतलब यही फॉर्मूला है बहुत सिंपल तो सम करेंगे तो टेन प्लस ट्वेल्व प्लस इलेवन प्लस और नीचे, कितना आ जाएगा बेटा? नीचे आ जाएगा 4. तो चलो ऐड करो सबको कितना, कितना हो गया ट्वेंटी हो जाएगा बताओ ट्वेंटी तो फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन बाई फोर आ रहा है अब इसको कैंसिल आउट करो तो डिवाइड करके देख सकते हो आप 47 में 6 से डिवाइड करो तो कितने टाइम्स जाएगा बताओ 6 8 जा 6 8 जा तो 48 हो जाएगा राइट 6 7 जा 42 बचा कितना 5 डेसिमल लगा लो जीरो आ जाएगा अब कितने टाइम्स जाएगा बताओ अब जाएगा 8 टाइम्स 6 8 जा 48 बचा कितना 2 जीरो लगा लो 6 3 जा 18, बचा कितना 2. अब ये 6 -3 जा, 3 जा आता जा, आता जाएगा तो आंसर क्या आपके आया आपके पास आंसर आया बेटा आंसर आया सेवन पॉइंट एट थ्री चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है आपको इन क्रिकेट in में स्कोर्स ऑफ अ बैट्समैन इन फाइव इनिंग्स पांच इनिंग्स में बैट्समैन का स्कोर दे रखा है आपको ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी वट इज द एवरेज स्कोर एवरेज स्कोर पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है बेटा एवरेज स्कोर पूछ रहा है देखो डेली लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ठीक है जैसे आप भी मैचेस खेलते होंगे ठीक है आप भी जाते होंगे गेम खेलने के लिए वहां तो पे आप लोग स्कोर बनाते होंगे ठीक तो है तो डेली लाइफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एवरेज स्कोर पूछ रहा है फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा पहले सम करना है ऊपर नीचे टोटल लिखना है ठीक है टोटल कितने नंबर है वो ठीक है तो सम करेंगे सबसे पहले तो कितना आएगा बताओ ट्वेंटी प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी फाइव प्लस फोर्टी ये है और नीचे कितना आ जाएगा बताओ नीचे आ जाएगा फाइव ठीक है ट्वेंटी और थर्टी फिफ्टी हो गया और फिफ्टी और फोर्टी कितना हो जाएगा नाइनटी हो जाएगा तो ये आ गया नाइन्टी और इन दोनों को भी ऐड कर लो ट्वेंटी फाइव और थर्टी फाइव कितना हो जाएगा ऐड होकर एड होके हो जाएगा ये सिक्सटी नाइन्टी एंड सिक्सटी कितना हो गया बेटा ये हो गया वन फिफ्टी अप ऑन फाइव अब इसको कैंसिल कि थर्टी तो एवरेज कितना आ गया? एवरेज आ गया? 30. चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए फटाफट से क्वेश्चन स्पीड हम अपनी ज्यादा रखेंगे आज क्यों क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे क्योंकि यही आपसे पूछा जाता है ठीक है तो जो आपसे पूछा जा रहा है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मैं उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आई हूँ उन्हीं में से लेके आई हूँ ठीक है तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड अपनी फास्ट रखेंगे एवरेज स्कोर पूछ रहा है यहाँ पे भी यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है बेटा आपसे एवरेज स्कोर पूछ रहा है दोबारा से क्या करेंगे आपको पता है सम अपॉन टोटल ये बात तो आपको अभी तक पता चल गई होगी सम करेंगे तो एटी फाइव प्लस नाइन्टी प्लस नाइन्टी टू प्लस एटी एट प्लस नाइन्टी फाइव अपॉन कितना हो जाएगा बेटा ये अपॉन हो जाएगा 5. चलो अब इसको ऐड करते हैं करने पे कितना, आ रहा है? 8 और 9 कितना हो जाएगा टू सिक्सटी टू सिक्सटी और एट कितना हो जाएगा थ्री फोर्टी थ्री फोर्टी और नाइन कितना हो जाएगा अः फोर थर्टी तो फोर थर्टी तो ये हो गया और इधर कितना हो रहा है फाइव एंड टू सेवन ये और 5 ए, 5 और 5, 10 और 8, 18, 18 20, तो तो हो गया 220, तो 450 आ रहा है इधर कितना आ रहा है बेटा इधर इधर आ रहा है फोर फिफ्टी और नीचे आ रहा है फाइव तो फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव और जीरो नाइनटी क्या आ गया आंसर आंसर क्या आ गया बेटा नाइनटी ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्या दे रखा है शर्ट कितने शर्ट सेल uh, करता है सिक्स शर्ट एंड आर टू हंड्रेड टू फिफ्टी टू एवरेज प्राइस पूछ रहा है ठीक है छह शर्ट जो है एक शॉपकीपर ने क्या किए हैं बेचे हैं और उनकी प्राइसेस हमें दे रखी है तो फिर से हमें क्या करना है पहले सम करना है और नीचे सबका टोटल लिख देना है. टोटल क्या है सिक्स है तो सम पहले ऊपर लिखना है नीचे सिक्स आ जाएगा टू हंड्रेड प्लस टू फिफ्टी प्लस टू ट्वेंटी प्लस टू एटी प्लस थ्री हंड्रेड प्लस टू सेवेंटी और नीचे में आप ऑन में क्या आ गया बेटा अप ऑन में आ गया सिक्स चलो ऐड करो टू हंड्रेड और टू हंड्रेड फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एट हंड्रेड एट हंड्रेड और थ्री हंड्रेड इलेवन हंड्रेड और टू हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड तो ये हो गया बाकी नंबर से ऐड और, 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 तो और, और दो पंद्रह सौ बीस ठीक है चलो कैंसिल तो आउट करते हैं सिक्स से सिक्स से कैंसिल्व आएगा थ्री आ गया थर्टी टू तो आता ही नहीं सिक्सटी टेबल में सिक्स फाइव जा थर्टी बचा टू सिक्स थ्री जा एट ठीक है एटीन हो गया बच्चा टू फिर ये आएगा ये ये ही आएगा इसका आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे पे देखिए क्या दे रखा अ अब अब एक का गया the distance they by car. वो लोग जो कार से अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो कितना है ये आपको दे रखा है और एवरेज डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है तो अब क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या करना है तो हम डायरेक्ट वही करेंगे 50 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 45 और नीचे कितना कितने फ्रेंड्स है बेटा ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हमें दे नहीं रखा तो ऐड मतलब देख लो कितने और फोर्टी टू हंड्रेड थर्टी टू हंड थर्टी और फिफ्टी टू हंड्रेड एट्टी तो ये हो गया बाकी पीछे वाले नंबर से कर लो पांच और पांच दस और पांच पंद्रह ठीक है तो ये हो गया फाइव एट और वन नाइन और ये हो गया टू टू नाइन अपॉन फाइव इसको कैंसिल आउट करो फोर फाइव नाइन या फोर्टी फाइव फिफ्टी नाइन इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब फ्रूट सेलर अब यहाँ पे एक फ्रूट सेलर की बात हो रही है उसने आठ बास्केट फ्रूट्स बेच दिए ठीक है और हर एक बास्केट में कितने फ्रूट्स थे फर्स्ट बास्केट में 120 थे सेकंड में 140 थे थर्ड में 110 थे फोर्थ में 150 थे फिफ्थ में 130 थे सिक्स्थ में 125 थे सेवेंथ में 135 थे और एट्थ में 145 थे ठीक है और नीचे आपको दे दे दिया है एट बास्केट के बारे में बात हो रही है एट से डिवाइड होगा चलो सबको एड कर लो ठीक है अब एड करेंगे तो ट्वेल्व

One, zero, four, zero, तो हो गया। है, और बाकी पीछे में क्या नंबर लीजिए ठीक है तो ये आ, है। है, आ रहा है इसमें एट से डिवाइड करेंगे चलो पढ़ते हैं एट वन जाट बच गया टू ट्वेंटी फाइव हो गया एट थ्री जा ट्वेंटी फोर बच गया वन फिफ्टीन हो गया ये एट वन जाट बच गया कितना जीरो आ गया पे हो गया वो ठीक है तो अब कितने बच गया सिक्स अब जीरो आ जाएगा अब उसके बाद एट एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स गया फोर जीरो जा ये आ गया आपका एवरेज एवरेज क्या आ गया आपका वन थर्टी वन पॉइंट एट सेवन फाइव इज दंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या देखा है आपको अब इस, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है अब इसमें बच्चे डर जाएंगे तो डरना नहीं है बेटा देखो पढ़ो बहुत सिंपल क्वेश्चन है है करना तो वही आपको राइट right? पढ़ लो स्कूल कंडक्टेड अ सर्वे ऑन द नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट स्पेंड ऑन होमवर्क ईच वीक अब एक स्कूल ने क्या किया एक सर्वे कंडक्ट करवाया कि उनके स्कूल की जो स्टूडेंट है वो हर वीक में कितना होमवर्क कितना टाइम होमवर्क पे खर्च करते हैं कितने घंटे होमवर्क पे खर्च करते हैं द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम टेन स्टूडेंट दस स्टूडेंट से डेटा लिया गया वो क्या था फोर आर फाइव आर सिक्स आर एट आर फाइव आर फोर आर सिक्स आर वॉट इज द एवरेज नंबर ऑफ आर्ट स्पेंड ऑन होमवर्क पर वीक बाय द बाई दर्वेड ठीक है अब आपसे तो पूछ रहे हैं कि एवरेज नंबर ऑफ बताना है आपको तो क्या करना है पहले सारे आर्ट्स को एड कर लो फोर आर फाइव आर सिक्स आर थ्री आर सेवन आर एट आर फाइव आर फोर आर सिक्स आर प्लस फाइव आर ये सारे आर्ट्स को ऐड कर लिया और नीचे कितने से डिवाइड करेंगे टेन से क्योंकि दस स्टूडेंट का सर्वे है ये ये कितने ये कितने स्टूडेंट का डेटा है हमारे पास दस स्टूडेंट का डेटा है एड करो फोर और फाइव हो गया नाइन नाइन और सिक्स कितना 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 हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और एट कितना हो गया आपका थर्टी थ्री थर्टी थ्री और फाइव कितना हो गया थर्टी एट थर्टी एट और फोर कितना हो गया फोर्टी टू फोर्टी टू और सिक्स कितना हो गया फोर्टी एट फोर्टी एट और फाइव कितना हो गया ये हो गया आपका फिफ्टी थ्री ठीक फिफ्टी थ्री में टेन से डिवाइड करेंगे तो पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगी जो तो डेसिमल पढ़ाते वक्त बताया था ठीक है कि जब नीचे टेन में एक जीरो दे रखा है तो ऊपर जो भी नंबर है न्यूमरेटर में उसमें पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है तो फाइव पॉइंट थ्री आर्स करेक्ट आंसर अगले क्वेश्चन पे चलिए देखो क्या दे रखा है द वेट ऑफ सिक्स स्टूडेंट सिक्स स्टूडेंट का वेट दे रखा है जो दे रखा है वो लिख लो थर्टी टू थर्टी सिक्स फोर्टी थर्टी एट थर्टी फोर और थर्टी सेवन के और ये कितने स्टूडेंट्स का है सिक्स स्टूडेंट का ठीक है कितने स्टूडेंट्स का है बताइए ये? ये आपको दे रखा है सिक्स स्टूडेंट्स का ठीक है चलिए एड करो और 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 हो गया ये तो. गया ये तो ये ये तो तो नंबर से ऐड करो आ क्या दे रखा है इलेवन का वन वन कैरी टू आ जाएगा तो ये हो जाएगा टू वन सेवन अपॉन सिक्स डिवाइड करो सिक्स थ्री जाटीन बचा थ्री थर्टी सेवन सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स बचा वन जैसे मैं लगा दो जीरो आ जाएगा 6 बचा जीरो आ जाएगी दोबारा से 6, 6 जा 36, ठीक है वापस फोर बचा तो वापस से थर्टी सिक्स तो अब यही आंसर आता रहेगा बार बार थ्री सिक्स पॉइंट वन सिक्स सिक्स इज दी करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या दे रखा है ग्रुप ऑफ सेवन फ्रेंड्स मूवीज देखने जा रहे हैं दस सात फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं मूवीज देखने जा रहे हैं ठीक है Prices, आपको दे रखी टिकट की वन एटी लगा किसी को किसी को टू हंड्रेड देना पड़ा किसी को टू ट्वेंटी देना पड़ा किसी को वन नाइनटी देना पड़ा और किसी को टू हंड्रेड टेन देना पड़ा और ये कितने दोस्त थे सात दोस्त थे तो नीचे सात लिख दो चलो ऐड करो सौ दो सौ तीन सौ तीन सौ और दो 500 पांच सौ पांच सौ और एक 600 600 और दो आठ सौ हो गया अब इधर देखो अस्सी और बीस सौ सौ और नब्बे एक सौ नब्बे और दस दो तो ये इतना हो गया बेटा हजार हजार में सेवन से डिवाइड करना है चलो करो सेवन वन जा जावन बचा कितना थ्री थर्टी आ गया से बचा कितना 220 आ गया. 7, जा, 14, बचा कितना 6, लगा दो, आ जाएगा सिक्स में ठीक है अब सिक्सटी में कितने टाइम जाएगा बताओ सेवन फाइव जा थर्टी फाइव सेवन सिक्स जा फोर्टी टू राइट सेवन सिक्स जा फोर्टी टू सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन 7, 7 जा फोर्टी नाइन और सेवन एट जा कितना हो जाएगा सेवन एट जा हो जाएगा फिफ्टी सिक्स तो सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स टाइम्स जाएगा ये बचा चार जीरो आ जाएगा वापस से सेवन फाइव जा थर्टी फाइव बचा पांच जीरो आ जाएगा दोबारा से ठीक है तो फिफ्टी में डिवाइड करेंगे तो आप कितने टाइम्स जाएगा बताओ सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन बचा वन ठीक है तो जीरो आ जाएगा दोबारा से, सेवन बन जाए तो यही आपका आंसर है इससे ज्यादा आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है अगर डिवाइड हो रहा है और तो कोई नहीं है, पर आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट इन सिक्स द एवरेज स्कोर पूछ रहा है दोबारा से तो चलो सबको ऐड कर लो 80 प्लस, 85 प्लस 90 प्लस, 90 प्लस 95 plus 100 plus 105 और डिवाइड करना है किससे छह राउंड का हमें दे रखा है तो हमें इसको सिक्स से डिवाइड करना है चलो एड करो एट और एट एटी और कितना टू फिफ्टी और नाइनटी कितना हो जाएगा थ्री फोर्टी थ्री फोर्टी और हंड्रेड फोर फोर्टी फोर फोर्टी और हंड्रेड फाइव फोर्टी ठीक है अब आगे आ जाइए पांच और पांच दस और पांच पंद्रह और बच रहा है ठीक है कितना बच रहा है और पंद्रह और बच रहा है तो पांच चार और एक पांच और ये पांच तो ये कितना आ रहा है 555, 55. अब करेंगे, 6 से तो करो डिफ्टी फाइव में डिवाइड करो सबसे पहले टाइम एट जाट सिक्स एट जा फोर्टी एट ठीक है सिक्स एट जा फोर्टी एट और सिक्स नाइन जा सिक्स नाइन जा फिफ्टी फोर तो नाइन जा चला जाएगा आई थिंक नाइन जा जा रहा है ना तो फिफ्टी फाइव में डिवाइड करना है हमें ठीक है तो 6, 9 जा, फिफ्टी फोर गया कितना 115 में जाएगा, आप कितने 6, 2 जा, 12, कितना ट्वेंटी फोर जा, बचा जीरो तो तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या देखा फैमिली स्पेंड इतना, इतना, इतना रुपया ऑन ग्रोसरीज ठीक है ग्रोसरीज पे खर्च हो रहा है पैसा पे खर्च हो रहा है ग्रोसरीज पे एक बार फाइव हंड्रेड खर्च हो रहा है एक बार सिक्स हंड्रेड हो रहा है एक बार फाइव फिफ्टी हो रहा है एक बार सेवन हंड्रेड हो रहा है एक बार एट हंड्रेड हो रहा है ठीक है पांच महीनों में ये पांच महीने का डेटा दिया हुआ तो फाइव से मतलब डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया फाइव और सिक्स इलेवन इलेवन और फाइव कितना कितना हो गया सिक्सटीन एंड फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हो गया ट्वेंटी थ्री और एट कितना हो गया बताओ थर्टी वन हंड्रेड कितना हो गया थर्टी वन हंड्रेड और कितना है साथ में दे रखा फिफ्टी और दे रखा है राइट आई थिंक फिफ्टी और थ्री वन फाइव जीरो आ रहा है थ्री वन फाइव जीरो डिवाइड बाई फाइव अब जिन बच्चों को काटना नहीं आ रहा ना बेटा वो डिवाइड करके देख लिया करो ऐसा नहीं है मैम काट रही है तो आपको काटना आप सीखो पर जब तक नहीं आ रहा तब तो तक आप अपना काम डिवाइड से कर रहे हो फाइव सिक्स जा कितना हो गया ये बेटा फाइव सिक्स जा हो गया थर्टी बच गया वन उतर गया फाइव ठीक है ये फाइव हमने नीचे उतार लिया फाइव थ्री जा फिफ्टीन ये कट गया और ये वाला जो जीरो है ये इधर आ जाएगा यहाँ लग जाएगा सिक्स थर्टी आ जाएगा ये सिक्स थर्टी इज दी है अगला क्वेश्चन देखिए अभी और क्वेश्चन है बेटा ट्वेंटी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं पर अब आगे क्वेश्चन आपको यहाँ पेटी फाइव दे रखा है या हम परसेंटेज में पूछ रहा है तो को नहीं करना है, आपको में ही देना है, है तो इनको आप डायरेक्ट लिख लेंगे 85, 90, 88, 92 और, 95, और कितने बच्चों का स्कोर दे रखा है पांच बच्चों का डिवाइड तो बाय फाइव कर दीजिए ठीक है एट्टी और नाइनटी कितना होगा ये बताओ सबसे कितना हो गया वन सेवेंटी तो और एटी

फिर आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन दिया हुआ है फिर सिक्सटीन ये ट्वेंटी तक है सेवनटीन एटीन आगे नाइनटीन और यहाँ आगे ट्वेंटी ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक है ये सेवन क्वेश्चन जो है आगे के क्वेश्चन नंबर फोर्टीन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो है आपका वो क्या है होमवर्क है क्या है बेटा होमवर्क है ठीक है इसके साथ आप पीडीएफ के बारे में थोड़ी बात कर लेती हूँ मैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा बेटा पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे कहा मिलेगा पीडीएफ पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे ठीक है टेलीग्राम चैनल कहाँ है मैम कौन सा है नवोदयम क्लासेस के नाम से है, पर अगर आपको सर्च करने पे नहीं मिले तो आपको लिंक देखना है कहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसको जब आप खोलेंगे तो आपको लिंक देख मिलेगा वहां पे उस लिंक पे क्लिक करना है उस लिंक पे क्लिक करने से आप डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे चैनल पे चैनल पे जाते क्या कर लेना है चैनल को ज्वाइन कर लेना है ज्वाइन करने के बाद क्या करना है फाइल्स सेक्शन में जाना है और वहां पे आपको सारे टॉपिक के टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे पीडीएफ उनको आप या तो डाउनलोड कर लीजिए ये फर्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड कर लो मोबाइल में और सेकेंड ऑप्शन है कि आप उसका प्रिंट निकलवा लें मेरे से पूछोगे तो मैं प्रिंट रिकमेंड कर दी क्योंकि मोबाइल में हम फिर पढ़ते पढ़ते गेम खेलने लग जाएंगे राइट पढ़ते पढ़ते यूट्यूब देखने लग जाएंगे तो डिस्ट्रैक्शन होगी तो इसलिए आप प्रिंट निकाल लीजिए अगर आपको पढ़ना है आप सही में पढ़ना चाहते हो तो प्रिंट निकाल लीजिए और प्रिंट निकाल के पढ़िए मोबाइल में मत पढ़िए ठीक है चलिए वीडियो देखना है जो भी आपको वीडियो देखने हैं कोई कोर्स आपने ले रखा है ऑनलाइन या कुछ भी तो आप वो देखिए लेकिन उसके अलावा आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है ऐसा आपको ट्राई करना है कि आपको मोबाइल कम से कम यूज करना पड़े ठीक है चलिए इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ठीक है शेयर करिएगा सबके साथ ठीक है सारे हम यहाँ पे टॉपिक कवर कर रहे हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और डिटेल में पढ़ा रहे हैं कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वहां पे एक छोटा सा बेल आइकन आता है उसको भी आपको क्या कर लेना है बेल आइकन को प्रेस कर ले कर देना है क्यों कर देना है बेटा ताकि मैं कभी भी जैसे ही नया वीडियो डालूंगी ना तो आपको वहां पे नोटिफिकेशन वो जो होता है ना वो नोटिफिकेशन के लिए होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आज नए टॉपिक पे वीडियो आ गया और आपको पता चल जाएगा कि न्यू टॉपिक आ चुका है ठीक है तो आपको हेल्प करेगा ऐसा नहीं आपको वेट करना पड़ेगा कि कब आएगा नया टॉपिक तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए नया वीडियो आते ही ठीक है इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर